ग्वालियर नगर निगम ने गजब कारनामा कर दिखाया दमकल वाहनों में से एक वाहन गायब हो गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी बड़ी बात यह है कि ये वाहन पांच साल से गुम है जिसकी छानबीन आज तक जारी है लेकिन अधिकारी के हाथ में कुछ भी नहीं लग पाया देखे ये रिपोर्ट ग्वालियर नगर निगम के फायर डिपार्टमेंट में से एक फायर ब्रिगेड गाड़ी पिछले पांच वर्षों से गायब है न तो निगम अधिकारियों को गाड़ी के संबंध में कोई जानकारी है और न ही गाड़ी के गायब होने की एफ कराई गई है खास बात यह है कि जो गाड़ी 2019 से गायब है उस गाड़ी का वर्ष 2022 में बीमा कराया गया है वही अब इस पूरे मामले में नगर निगम कमिश्नर ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी और जल्दी से जांच पूरी कर आरोपियों को हिरासत में लेने की बात कही है जो उसमें रिपोर्ट मेरे तक आई थी अभी मैं एक बार फिर से फाइल देख लेता हूं और उसके जो रिपोर्ट आई होगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी वो मुझे पता था इसलिए जाँच कमेटी गठित की थी जाँच कमेटी ने रिपोर्ट दी है मैं देख लेता हूँ बता दें की दो में नगर निगम के दमकल विभाग के तत्कालीन अधिकारियों ने नियमों को ताक आरोप रखकर बिना टेंडर एक फायर ब्रिगेड की फर्जी नीलामी करा दी और साथ ही उस नीलामी का पैसा भी जमा नहीं कराया गया जिसकी निगम पिछले पांच सालों से छानबीन कर रहा है ब्यूरो रिपोर्ट एम न्यूज ग्वालियर